हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट बेस्ट केमिकल स्टॉक, ठीक है। आप बोल सकते हो कि केमिकल सेक्टर का जो स्टॉक है वो दीपक नाइट्राइट वो नंबर वन पोजीशन होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है दोस्तों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू के हिसाब से डिजर्व करता है, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से केमिकल स्टॉक की वैल्यू है उसमें दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में मूव कर रहा है। और आज उन्हीं के शेयर होल्डर की बहुत ही शानदार तरीके से लॉटरी लगी। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रेडर्स ने आज दिन भर मार्केट नहीं वॉच कर पाया होगा, दीपक नाइट्राइट को नहीं देख पाया होगा, अगर वो अभी देखेगा उसका परफॉर्मेंस तो उसको भी मज़ा आ जाएगा, उसका भी जो दिल है ना वो एकदम गदगद हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ है वो भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, उस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है, जाइए फटाफट से उस लिंक को क्लिक करिए, ठीक है। वहाँ पर जाके चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बेहतरीन इंट्राडे की टिप्स वाले वीडियो लाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहले हम दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीपक नाइट्राइट दोस्तों ऑलमोस्ट आज स्टॉक में 10% की भारी भरकम तेजी देखने को मिली। 2617.20 रुपये पे क्या हुआ दोस्तों, स्टॉक क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 2382.45 रुपये। स्टॉक ओपन होता है दोस्तों 2388.90 रुपये। हाई लगाता है दोस्तों 2620 रुपये और लो लगाता है दोस्तों 2383.45 रुपये, ठीक है। ये जो हाई है ना, ये दीपक नाइट्राइट का दोस्तों ऑल टाइम का हाई बन चुका है। तो ये दोस्तों दीपक नाइट्राइट के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जब दीपक नाइट्राइट के शेयर होल्डर आज अपना जब पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें दीपक नाइट्राइट एकदम दोस्तों बूस्ट करते देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो को, ठीक है। उसी के साथ साथ वॉल्यूम की कंडीशन, मात्र 19,40,000 क्वांटिटी, फिर भी ट्रेडर्स यहां पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। 4 अक्टूबर 2021 को स्टॉक ने अपना 52 बिक का हाई लगाया। 20 अक्टूबर 2020 को स्टॉक ने क्या किया था दोस्तों, अपना 52 बिक का लो लगाया था। महीने सेम है, डेट अलग है और साल अलग है, बस बाकी सभी चीज़ें हमें एक जैसी देखने को मिल रही है। साथ में देखिए डिलीवरी पैटर्न, 30% का डिलीवरी पैटर्न, 30.77% का। क्वांटिटी देखेंगे दोस्तों तो करीबन 4,33,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो रिजल्ट तो बेहतरीन शो हो रहा है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो डिविडेंड बहुत ही शानदार इसने दिया हुआ है। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो 45.69% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि आप प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज रखा या नहीं। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि कंपनी का जो वैल्यू है ना मार्केट में बहुत तगड़ा है, तो प्रमोटर्स को ऐसी जरूरत ही नहीं लगी कि शेयर को गिरवी रख के पेमेंट उठाया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के परफॉर्मेंस की बात, जहाँ पर आप लोगों को मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, जो न्यूज़ आया है, जो आर्टिकल आया है उसको देखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CNBC टीविन 18 के साइट के हमने ऊपर आप लोगों को लाए हैं, ठीक है। अपडेशन आप देख सकते हो इसमें, वैसे तो बहुत सारी कंपनी है, डेविस लैब, टाटा मोटर्स, दीपक नाइट्राइट और बहुत सारी कंपनी, ठीक है। कुछ की फैक्ट्स निकल के आए हैं दोस्तों, जो मूवमेंट हुआ आज का उसके रिकॉर्डिंग 4 अक्टूबर, ठीक है, बताया गया है। तो हम नीचे दीपक नाइट्राइट को देखते हैं, तो ये तो डिविस लैब के बारे में बताया जा रहा है, टाटा मोटर्स, ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान कॉरपोरेशन और ये आ गया हमारा दीपक नाइट्राइट, ठीक है। तो देखिए दीपक नाइट्राइट पे क्या मेंशन किया गया है, द स्टॉक एंडेड 9% हाई, मतलब आज हमने परफॉर्मेंस देखा है, स्टॉक ने 9% की तेजी दिखाई, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी, निफ्टी में भी लगभग 200 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली। देन उसके बाद, ठीक है, जो रिपोर्ट निकल के आई है, क्या रिपोर्ट निकल के आई है, डेथ द पावर आउटगिंग इन चाइना, ठीक है, इस सीन इम्पैक्टिंग केमिकल आउटपुट बाय मच अस 25%। मतलब दोस्तों जो चाइना का पावर सेक्टर है, ठीक है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि चाइना में जो बिजली है उसकी कितनी किल्लत आ चुकी है, क्योंकि कोयले का जो उत्पादन है वो कम हुआ, कोयले का फिर मार्केट में रेट बढ़ा, ठीक है। आप देख रहे होंगे जितने भी कोयले लिस्टेड अपनी कंपनी बोल सकते हो, कोल इंडिया, ठीक है, एकदम धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। पावर सेक्टर कंपनी भी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही है दोस्तों? क्योंकि 25% जो बिजली उत्पादन है ना वहाँ का, वो 25% इम्पेक्ट करता है दोस्तों किसको, केमिकल को, केमिकल इंडस्ट्री को। तो ये दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक आप बोल सकते हो बहुत अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो मोमेंटम अभी बना हुआ है बिजली उत्पादन का, ठीक है, जहाँ पर बिजली की कमी आना, ठीक है, तो उसके कारण तो वहाँ की परेशानी बढ़ना, ठीक है, लेकिन जब इन चीज़ का रेट बढ़ेगा तो इनके कारण दोस्तों इन कंपनियों में खुशी की लहर तो हमें दौड़ते देखने को मिल रही है। तो दोस्तों है ना एकदम धमाकेदार वाला परफॉर्मेंस दीपक नाइट्राइट। अगर आप इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जब टेस्ट करोगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए दीपक नाइट्राइट, ठीक है, दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस सबसे पहले तो आप देखिए जो बेसिक केमिकल है, ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्रो, ठीक है, फ्यूल एडिशन, ठीक है, फिन एंड स्पेशल केमिकल, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसका मार्केट में अभी हमें यूज़ होते देखने को मिल रहा है। पहले देखिए पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के पहले दोस्तों केमिकल को कोई नहीं जानता था, ठीक है, गिनी चुनी कंपनियां ही इसका प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन कोरोना आया, कोरोना के बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए, पेंडेमिक से लड़ने के लिए सभी जगह केमिकल का यूज़ हो रहा है, तरह तरह के प्रोडक्ट बन रहे, तो केमिकल का यूज़ होना क्या हुआ दोस्तों, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो गई, बढ़ गई। पहले इनकी सेल्स ग्रोथ 1 थी, अब यहाँ पर क्या हो गई, 10 हो गई। तो दोस्तों डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और दोस्तों कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड में 80% का मार्केट शेयर लेके बैठा है, ठीक है, DASD में दोस्तों 60% का ग्लोबल मार्केट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्या लेके बैठा है दोस्तों, ये मार्केट लेके बैठा है, तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में जो ब्रांड रहता है वही चलता है। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट के 32,495 करोड़ का, बहुत शानदार पी अर्निंग रेशियो देखेंगे वो भी बहुत अच्छा, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय 39.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.6%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार। उसके साथ देखेंगे दोस्तों कंपनी मतलब मान लीजिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है, देन उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी अनुमान लगा के बैठा हुआ है कि मेरा जो आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत शानदार रहने वाला है। उसके बाद कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर, कंपनी ने लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इक्विटी का उसमें 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होते देखने को मिल रहा है। तो भर भर के दोस्तों कंपनी के अंदर हमें पॉजिटिव क्वालिटी देखने को मिल रही है, नेगेटिव क्वालिटी एक भी नहीं है। उसी के साथ साथ जब आप देखेंगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ का परफॉर्मेंस, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए June 20 यहाँ पर आता है पेंडेमिक, उसके बाद सितंबर दिसंबर जो 18 है, मार्च 19 जून 19 सितंबर 19 और दिसंबर 19 और मार्च 19, यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस कंपनी का किस बेस पे देखने को मिल रहा, ठीक है, मतलब एक रेंज में क्या कर रहा था कंपनी, अपना सेल्स कर रहा था, लेकिन सितंबर 20 से जब उसकी डिमांड बढ़ी केमिकल की, केमिकल को यूज़ करना मतलब सभी ने सीखा, उसके तरह तरह के जब प्रोडक्ट मार्केट में आए तो देखिए कितनी धमाकेदार सेल्स ग्रोथ जो है वो होती चले जा रही है। मतलब सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी एकदम धमाकेदार हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर हम इस स्टॉक को क्यों इग्नोर करें, डेफिनेटली हमें पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आप पोजीशन देखिए और यहाँ का आप पोजीशन देखिए लास्ट 4 क्वार्टर का, है ना एकदम धमाकेदार। उसी प्रकार से आप रेवेन्यू भी देखिए, ठीक है, ये था दोस्तों जून क्वार्टर जहाँ पर पेंडेमिक आया था, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कितना खतरनाक, और यहाँ पर देखिए रेवेन्यू की कंडीशन। ईपीएस से भी आप अनुमान लगा सकते हो और यहाँ पर आप ईपीएस देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल भर का, ठीक है, तो मार्च 15 में पूरे साल भर में 1327 करोड़ की सेल्स थी, 16 में भी उसी प्रकार से, 17 में भी उसी प्रकार से, 18 में दोस्तों 300 करोड़ की सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, 19 में भी बहुत अच्छी तरीके से, मार्च 20 में बहुत ही खतरनाक तरीके से, और मार्च 21 में और खतरनाक तरीके से। मतलब हर साल कंपनी का जो दोस्तों सेल्स ग्रोथ है इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होते देखने को मिलेगा। आप देखिए कितना शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस से भी आप अनुमान लगा सकते हो कितना शानदार ईपीएस चले गया, ये पूरे साल भर का परफॉर्मेंस था, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इसमें FII की पोजीशन कितनी है, ठीक है, तो FII की पोजीशन देखिए दोस्तों, FII भी लगभग 11.5% तक अपना स्टेक क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। अब FII तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो किस प्रकार से रिसर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कब कितना खतरनाक तरीके से बिगड़ जाता है हमारे देश की
कंपनियों का, ठीक है, जिसके लिए दीपक नाइट्रेट को आप फोकस में रख के चलिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक हमें रिटर्न देने वाला है। देन उसी के साथ साथ चार्ट पैटर्न, देखिए चार्ट तो ऐसा लग रहा है कि कल भी स्टॉक भागेगा, ठीक है, तो ज़रूर नज़र में रखिएगा। लास्ट पाँच दिन में मतलब वही आज का और पाँच दिन का मूवमेंट वैसा ही, एक महीने में 11% की तेज़ी, छः महीने में 61% की तेज़ी, फिक्स 1000 पॉइंट बढ़ा 6 महीने में, ठीक है। लास्ट एक साल में देखेंगे 223% स्टॉक भागा है, ठीक है। देखिए पहले क्या था और अब क्या है, लास्ट 5 साल का अगर परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तो लगभग दोस्तों 2000% भागा है, 2000% स्टॉक। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। ओवरऑल का जब परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 2010 में कंपनी आया था मार्केट में, वो 2010 से अभी तक, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, 14600% का रिटर्न, कितना 14600% का रिटर्न। 1 अक्टूबर 2010 को मार्केट में आया था स्टॉक और अभी 4 अक्टूबर का डेट है और आज सन है दोस्तों 2021 का, 11 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने 14600% का रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी मत इग्नोर करिए, अपने पोर्टफोलियो में एकदम जमा के रख दीजिए दोस्तों, वॉच लिस्ट में भी सबसे ऊपर रखिए, ठीक है। देन उसके बाद इसमें जाके इन्वेस्टमेंट करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों आज आप बोल सकते हो कि केमिकल सेक्टर में इसी कारण दौड़ देखने को मिली, दीपक नाइट्रेट में भी इसी कारण दौड़ देखने को मिली, ठीक है। तो ये था अपडेशन, ये अपडेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का अपडेट लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।